तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप ये ऑड इवन वाला प्रोग्राम 10 देखने वाले और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन देखने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं ये ऑड इवन। इसमें देखो, पहले स्टार्टिंग में इन लोग ने स्क्रिप्ट टैग के अंदर दो वेरिएबल लिया, एक को इन लोग ने प्रॉम्प्ट दिया वैल्यू लेके यूजर से, और फिर दूसरे में पार्सेंट लिया हुआ, मतलब जो भी कन्वर्ट कर देगा, जो भी वैल्यू उसको कन्वर्ट कर देगा। और फिर उसके बाद इन लोग ने इफ कंडीशन लिया, हम लोग ने देखा था पिछले वीडियो में। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इधर वेरिएबल ले लेते हैं, दो वेरिएबल ले लिए। अब इधर पे हम लोग ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर लिख देते हैं एंटर वैल्यू। वैल्यू होगा अभी, इसी के बाद बी को हम लोग ले लेते हैं बी इज इक्वल टू परसेंट का आई कैपिटल, और ब्रैकेट में ले लेते हैं ए। तो इतना हो गया। अभी इसके आगे हम लोग इफ कंडीशन ले लेते हैं। इफ बी मॉड्यूलस टू टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि अगर बी को डिवाइड करेंगे टू से और अगर नीचे जो मॉड्यूल बचता है वो जीरो बचता है, तो प्रिंट कर दे अलर्ट नंबर इज इवन, उसको कोटेशन में लेना पड़ेगा या फिर एल्स में ले लेते हैं। नंबर इज ऑड, तो देखो अभी इधर पे इधर अगर नंबर पूछ रहा है टू 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 डाल देते हैं, तो नंबर इज इवन। अभी इसके जगह मैं अगर 23 डाल देता हूँ तो नंबर इज ऑड, और इसके जगह पे मैं अगर अल्फ़ाबेट लिखता हो तो देखो नंबर इज ऑड, क्यों करके इसमें कुछ है ही नहीं, एल्स में लिखा है ना इसके लिए। लेकिन अगर इधर पे ए और फिर टू ऐसा कर दूँ तो फिर नंबर इज ऑड है, क्यों करके मैंने पहले ऐड किया इसके लिए। लेकिन अगर बाद में ऐड करूँगा तो नंबर इज इवन। तो ये ऑड और इवन में तो इतना ही था। अभी इसके बाद हम लोग ये फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन इसके लिए यूज़ होते हैं कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो जाए, बहुत बार कुछ प्रिंट करना, हम लोग डॉक्यूमेंट डॉटेड लिखते ए लिखते सचा, थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए भी यूज़ होता है। अभी देखो इधर पर हम लोग पहले लिखते हैं फंक्शन लिखने के लिए, फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम ए बी सी जो भी लेना है वो, और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिखते हैं दो तीन जितने लिखने उतने, और फिर इधर पे डॉक्यूमेंट डॉट एट या फिर अलर्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर जब भी कॉल करना रहेगा देखो इधर पे इन लोग ने कॉल करने के लिए सिर्फ इतना यूज़ किया है शो और फिर ऐसा। देखो यहाँ पे इधर इन लोग ने फंक्शन बना दिया शो नाम का, और फिर इधर पे कॉल कर लिया उन लोग ने यहाँ पे। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते,
या इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब इधर पे लेते हैं, फंक्शन, और फिर इधर पे हम लोग आयुष लिख देते हैं और फिर इसको ऐसा क्लोज कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ले देंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे। इस इधर पे हम लोग अलर्ट लिख देते हैं, इसके आगे अभी जो भी प्रिंट करना हो कर सकते हैं। जैसे कि हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिख दिया फंक्शन। अभी इसको मैं सपोज यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ट्रैट लेते हैं, नहीं अलर्ट नहीं, इधर पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ आयुष, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे हेलो एवरीवन आ गया, मैंने इसको कॉल किया, इसके लिए यहाँ पे इसको कॉल किया। अभी अगर सपोज हम लोग को इधर पे कुछ वैल्यू डालना है, वैल्यू हम लोग दे देते हैं ए कॉमा बी। अभी इधर पे मैं यहाँ पे इसके जगह पे लिख देता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिया। अभी इसके जगह पे अगर मैं कोई नंबर डाल दूँ 2.1, तो देखो इधर इस पे प्लस कर देगा। तो इसी तरह से यूज होता है फंक्शन। अभी अगर इस पे मैं कुछ नहीं डालूँगा तो फिर अनडिफाइन आ जाएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से फंक्शन यूज होते हैं। अगर इस पे मैं कोई परमानेंट वैल्यू भी देना चाहूँ तो ए इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। तो देखो अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो 10 हो जाएगा, अगर मैं इधर पे लिख दूंगा कुछ 12.6 तो ये ओवरराइट कर देगा। और इसके जगह पे मैं मल्टीप्लाई भी ले सकता हूँ इधर पे, जैसे कि अगर इधर पे मैं प्लस की जगह स्टार साइन डालता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस फंक्शंस और इसमें इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उधर भी मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।